कि जिनकी कंप्लेंट है वो खुद अपनी कंप्लेंट सरकार के सामने रखे। नवाब मलिक जी के सामने लोगों ने अपनी कंप्लेंट रखी है, उन्होंने लोगों की कंप्लेंट सुनी है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो कंप्लेंट को लेकर सरकार के सामने रखेंगे। जी सर आप जो है वो जमात इस्लामी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है सादतुल्ला हुसैनी साहब, आज के हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है ये। तो मुझे इस जन अधिकार अधिवेशन में शरीक होकर बहुत खुशी हुई और MPJ महाराष्ट्र जिस तरीके से कोशिश कर रही है उस कोशिश को देखने का मौका मिला, तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि MPJ ने जो है महाराष्ट्र में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की है और गरीब लोगों को कास्ट, रिलीजन, जात पात इन सब डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठकर अपने अधिकारों के लिए मिलजुल कर काम करने का सलीका हौसला उनके अंदर पैदा किया है। यहाँ लोग आए, पूरे रियासत से लोग आए और बहुत ही एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सरकार के सामने अपने कंप्लेंस पेश किए, अपने प्रॉब्लम्स पेश किए और अपने हकूक़ की मांग की। तो गरीब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना, ये इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। MPJ इस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो आज पहली दफ़ा मुझे महाराष्ट्र के इस कन्वेंशन में शरीक होने का मौका मिला और यहाँ जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत इत्मीनान हुआ और उम्मीद पैदा हुई कि इससे इंशाल्लाह गरीब लोगों के अंदर और कमज़ोर लोगों के अंदर बेदारी आएगी और एक नए भारत, नए हिंदुस्तान की तरफ इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम पेश कदमी कर सकें। और लेकर कोई भी अपना मसला किसी भी
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो होती है, तो वो डिपार्टमेंट में कार्पेट काटने को देख नहीं सकता। ये क्योंकि वो धीरे धीरे चलेगा, हो सकता है 20 साल 30 साल तक चलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दफ्तर में जमा रहता है आपको समझना पड़ेगा। उस कागज के ऊपर कोई सही मायने में कोई मसला एड्रेस नहीं होता है, मुल्क के अंदर एक कानून बनाए प्राइवेट इंफॉर्मेशन आईटीआई डिस्काउंट होते हैं। अगर हमने आईटीआई डाला तो ये एप्लीकेशन 15 तारीख को हमने दी थी, इसका क्या फैसला हुआ तो आपको जवाब देना उसकी जिम्मेदारी। अगर कोई अफसर उसको दबाकर बैठा रहता है और ये साबित हो जाता है कि 5 साल से या 7 वर्ष से या 6 महीने से ये मसला फला आदमी के पास पेंडिंग है, तो है अथॉरिटी के पास कंप्लेन करने के बाद फिर कार्रवाई हो सकती है। जैसे ही आदमी है उस सब्जेक्ट की बढ़ेगी, आपकी फाइल तेजी से बढ़ेगी, इतना आपको समझने का बात। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है, मैं MPJ महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। फिलहाल जो है आज का जो कार्यक्रम था हमारा जन अधिकार अधिवेशन, ये पिछले कई दिनों से हमारा ये मानना है कि हम भारत जिस देश में रहते हैं ये एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ रही है। सरकार को अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए और जनता में अपनी जिम्मेदारियों को पाने के लिए एक लड़ाई खड़ी करने के लिए आज का ये अधिवेशन बुलाया गया था। आज के अधिवेशन में हमने जहां जनता को उनके अधिकारों के बारे में बताया है, वहीं सरकारों से अपने अधिकारों को पाने के लिए किस तरह उनको अपने आप को तैयार होना है, एक नए जन संघर्ष की तैयारी करनी है, उसके बारे में बताने के लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया था। अधिवेशन के हमारे 4 बेसिक इशू थे, जिसमें जो है वो फूड, हेल्थ, एजुकेशन और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर भी हमने जो है वो अपने डिमांड्स बना के रखे हैं। अन्न अधिकार के लिए हमारा जो डिमांड था वो ये है कि जो 1,77,00,000 लोगों को राशन से वंचित कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने, हम ये डिमांड करते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हमने ये डिमांड किया है कि वापस से उन लोगों को राशन मिलना शुरू हो। दूसरी तरफ जो एक हमारा डिमांड था आज का कि जो जनगणना की गई थी, जिसके बाद सामाजिक आर्थिक जो जाति की बुनियाद पर जो जनगणना हुई थी उसमें GDP के लेवल को बहुत लो करके बहुत लोगों का राशन में से नाम निकाल दिया है, उन सबको फिर से उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तीसरा डिमांड हमारा ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा अनुसार ये एक फूड कमीशन बन गया है, लेकिन अब तक वो फूड कमीशन काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारा डिमांड है कि वो फूड कमीशन को फिर से पूरा काम करना चाहिए। इस तरह के डिमांड्स को लेकर ये आज का प्रोग्राम किया गया था। हेल्थ के बारे में हमारा डिमांड ये है कि अभी तक पूरे देश में राइट टू हेल्थ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए कि पूरे देश के हर नागरिक को आप राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, वो अपने हेल्थ के लिए सरकार के सामने नहीं बल्कि वो अपना अधिकार पा सके, उसका एक अधिकार बनना चाहिए। सार्वजनिक पूरा हेल्थ सिस्टम जो है हमारा, वो हम देखते हैं कि पूरा हेल्थ सिस्टम जो चरमरा सा गया है, ग्राउंड लेवल पर जाने के बाद बहुत दूर दूर तक हेल्थ की सुविधा नज़र नहीं आती है, तो पूरे हेल्थ सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और PSC से लेकर तो आपके मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक बहुत सारी वैकेंसियां खाली है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, मशीनें उनकी ख़राब हैं, दवाइयां नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हमने इस पूरे प्रोसेस में जमा की हैं। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन प्रोसेस को सॉल्व करने की वो कोशिश करें। तीसरी तरफ शिक्षा के बारे में जो है,
वो हमारा डिमांड ये है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपने राइट टू एजुकेशन के तहत 9 तक का एजुकेशन फ्री किया हुआ है, हम ये समझते हैं कि 9 तक के एजुकेशन के बदले हमको 12 तक का एजुकेशन, पहले तो लोग उसके पीजी का डिमांड करते थे लेकिन कम से कम हम जो है वो 12 तक का डिमांड करते हैं कि 12 तक एजुकेशन लोगों को फ्री मिलना चाहिए। मिड डे मील का इशू है, मिड डे मील की क्वालिटी बहुत ख़राब है, 12 तक मिड डे मील भी मिलना चाहिए, बहरहाल उस पर भी बात होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इशू में आया कि राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट होने के बाद भी 25% रिजर्वेशन जो लोगों के लिए अवेलेबल है गरीब बच्चों के लिए, वो ठीक से पूरी तरह भरा नहीं जा रहा है, स्कूल के एडमिशन कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं और स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं, बच्चों के साथ में भेदभाव हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लास बनाई गई है और जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए अलग क्लास बनाई गई है, जबकि राइट टू एजुकेशन आया ही था भेदभाव को खत्म करने के लिए, अमीरी और गरीबी के भेदभाव को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आज वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारा डिमांड है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। बांधकाम मजदूर के बारे में जो बात हमने कही थी कि बांधकाम मजदूर के सेस का जो फंड लिया हुआ है उसके पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया है कि आम मजदूर जो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाता, और रजिस्ट्रेशन नहीं करने की वजह से बाद में उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बांधकाम मजदूरों को उसमें शामिल करें और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान करें, ये हमारे डिमांड्स हैं आज।